हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इससे पहले भी मैंने इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मोर ओवर ये क्वेश्चंस जो हैं एडुकार्ड सैंपल पेपर बुक से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा है कि टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 130। तो देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक। तो अगर पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2। कहा गया है कि उनके स्क्वायर्स का सम है वो 130 है। आपको नंबर्स फाइंड करने हैं तो यहां पर आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए एंड दिस इज माइनस 130 इज 0। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 126 इज 0। 2 आपने कॉमन लिया सो वी आर लेफ्ट विद, सो वी कैन से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज 0। तो देखिए 63 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 7, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63। ठीक है, यहां पर x क्या आया, 7 और माइनस 9। बट आपको गिवन क्या था कि x क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मीन्स वो माइनस में तो होगा ही नहीं, तो सिर्फ x इज इक्वल टू 7 लेंगे हम। ठीक है, यहां रीजन आप लिख दीजिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, x प्लस 2, दैट विल बी 9। सो इट इज सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपसे कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कैसे करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। तो आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए। बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, दैट इज 2mc स्क्वायर माइनस 4, और ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी क्या है, दिस कॉन्स्टेंट टर्म, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0। सो 4 कॉमन लिया। ठीक है, अब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस किया 1 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो माइनस दिस प्लस दिस कैंसिल, एम स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को आपने इधर ले लिया। सो ए स्क्वायर अगर आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था यहाँ पर एंड इट्स सिंपल। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक्स इज इक्वल टू 1/√3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जगह आप 1/√3 रख सकते हैं, राइट? ठीक है, सो दिस इज 1/3 प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री माइनस 1 इज 0। पी बाय 3 कह सकते हैं इसे, प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू, यहां पर आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू 1 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री इज इक्वल टू 0। दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, पी बाय 3 इज इक्वल टू, ये इधर चला गया रूट टू बाय रूट थ्री। ठीक है, सो पी इज इक्वल टू रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, तो आप यहां से कह सकते हैं पी इज इक्वल टू रूट टू, और 3 को कैसे लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। ठीक है, और ये रूट थ्री, तो ये और ये कैंसिल हो गया, सो पी आ गया आपके पास रूट 6। आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, पी स्क्वायर प्लस 1 की 7 एंड इट्स सिंपल। तो द लास्ट क्वेश्चन सेज कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ये रिलेशन आपको गिवन है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स इस इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स हम कैसे लिख सकते हैं, क्या है कोफिशियंट ऑफ x, दैट इज माइनस ऑफ k प्लस 6। ठीक है, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, दैट इज 1। सो दिस इज k प्लस 6, सिंपल है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c ओवर a, c क्या है कॉन्स्टेंट टर्म 2k माइनस 1, और a आपको मालूम है 1, दिस इज 4k माइनस 2। अब आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 1/3, यहां से आप कह सकते हैं, और 4k माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3 को, 3k माइनस 4k और माइनस 2 माइनस 18, सो दिस इज
20 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यही आपको फाइंड करना था एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और क्वेश्चंस इसी चैप्टर के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।